लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वाशिम जिले के करजा गांव में एक महिला अपनी रसोई के अंदर खाना बना रही थी, तभी उसे कुछ सरसराने की आवाज सुनाई दी। पहले तो महिला ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी देर बाद जब दोबारा आवाज हुई तो महिला को लगा कि सिलेंडर लीक हो रहा है। उसने गैस की पाइप और वाल्व इत्यादि सब चेक किया, लेकिन लीकेज कहीं नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब दोबारा महिला को आवाज सुनाई दी तो उसने ध्यान दिया कि आवाज सिलेंडर के नीचे से आ रही थी। महिला को लगा कि सिलेंडर जोर से पटकने के कारण शायद सिलेंडर तली से लीक हो रहा है। महिला ने जैसे ही सिलेंडर पलटा उसके अंदर का नजारा देख चीख निकल गई। सिलेंडर के पेंदे में खतरनाक कोबरा सांप छुपा बैठा था। सिलेंडर के छोटे से पेंदे में ये सांप कैसे घुसा ये किसी की समझ में नहीं आया। बड़े मुश्किल हालातों में जैसे तैसे पेंदे में फंसे सांप को संपेरे की मदद से बाहर निकाला गया। सिलेंडर में बुरी तरह फंसे होने के कारण सांप भी लगभग अधमरा सा हो गया था। बाद में संपेरे ने उसे जंगल में छोड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस गैस एजेंसी से सिलेंडर सप्लाई किया गया वहां कच्ची और खुली जमीन है। लोगों का अनुमान है कि यहां सिलेंडर रखे होने के कारण ठंडी जगह तलाशते हुए ये सांप सिलेंडर के नीचे पहुंचा और उसी में फंस गया।